भारत चीन सीमा विवाद के चलते पूरे देश में चीन के प्रति गहरा रोष है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में बाजियुमों का गुस्सा फूटा। वहीं बाजियुमों के उपाध्यक्ष अंकित ठाकुर की अगुवाई में हमीरपुर बाजियुमों के सदस्यों ने गांधी चौक हमीरपुर में चीन के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। वहीं बाजियुमों के उपाध्यक्ष अंकित चोपड़ा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चीन में बने उत्पादों का बहिष्कार करें और स्वदेश में बने उत्पादों का उपयोग करें। हिमाचल प्रदेश में चीन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमीरपुर में बाजियुमों के सदस्यों द्वारा गांधी चौक पर चीन के प्रधानमंत्री का पुतला चलाया गया और जमकर चीन के विरुद्ध प्रदर्शन भी किया गया। वहीं बाजियुमों के उपाध्यक्ष अंकित चोपड़ा ने कहा कि चीन के खिलाफ प्रदेश के हर जिला में चीन के प्रधानमंत्री का पुतला चलाया जा रहा है और चीन में बने उत्पादों के बहिष्कार के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं लोगों से अपने देश में बनी स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने की अपील की जा रही है। इस दौरान बाजियुमों के सदस्यों ने शहीद अंकुश ठाकुर को भी श्रद्धांजलि दी और उनके देश के प्रति दिए बलिदान को याद किया गया। है हमारे देश के नौजवान, हमारे देश का युवा मोर्चा और जितना भी हमारा यूथ है सभी एकजुट है। जब भी कभी कोई भी विदेशी ताकत हमें आंख दिखाने की कोशिश करेगी तो हमारा देश का बच्चा बच्चा और हमारे देश का हर नागरिक एकजुटता के साथ उनको जवाब देने में सक्षम है। उसी के निमित्त ये इस तरीके का जो चीन के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन था और जो पुतला था वो फूंका गया। प्रदेश में आज भाई अमित ठाकुर जी जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आज चीन के खिलाफ धरना प्रदर्शन एवं उनके खिलाफ और उनके राष्ट्रपति के खिलाफ ये पुतला फूंका गया। ये मुहिम पूरे प्रदेश में चली हुई हमारी प्रदेश सरकार भी और देश की सरकार भी एवं युवा मोर्चा भी ये देश की जनता से आह्वान करता है कि चीनी सामान और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें और अपने स्वदेशी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें।